बरगंडा स्थित सार्वजनिक काली मंडा प्रांगण में सोमवार 1 बजे से भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद हर साल यहां भव्य भंडारे का आयोजन होता है। इसी कड़ी में इस बार भी भंडारा आयोजित किया गया। मौके पर अध्यक्ष अजय बगड़िया, सचिव प्रदीप अग्रवाल, राजेंद्र भरतिया, दुर्गा राम, रवि रंजन, नवीन सिन्हा, हिमांशु जी, मनोज, संजय जी, मनोज अग्रवाल, पवन, संजय, मनोज शंघाई, दीपक मोदी, गोपाल संथालिया, उज्जवल गुप्ता, प्रकाश राज आदि उपस्थित रहे। आज मरगंडा सार्वजनिक काली मंडा के प्रांगण में मां का भंडारा का दोपहर में 1 बजे से आयोजित शुरू किया गया था और ये लगभग 8 बजे रात्रि तक चलते रहेगा। इसमें लगभग 10,000 लोग भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ अपने घर ले जाते हैं। इस भंडारा का मोहल्ला वासियों, गिरडी वासियों को इंतजार रहता है कि माँ की प्रतिमा के विसर्जन के बाद ये एक दिन के बाद ये पिछले 70-75 सालों से यह भंडारा चल रहा है और माँ की असीम अनुकंपा है, आशीर्वाद है कि भंडारा बहुत पूर्ण रूप से शांति रूप से संपन्न होता है। गंभीर से गंभीर समस्या से निजात पाना हुआ बेहद आसान, वो भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से। जी हाँ, आपने सही सुना, आधुनिक उपकरणों से लैस पचम्बा मेन रोड स्थित गिरिडीह का टॉप क्लास इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीर के द्वारा मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा सेंटर, ऑर्थोडॉन्टिक सेंटर, रूट कैनल सेंटर तथा ड्रेनल डेंटिस्ट्री के माध्यम से टूटे हुए जबड़े तथा टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करना एवं सड़े हुए दांत, पायरिया, मुंह के कैंसर का इलाज बत्तीसी और कृत्रिम दांत बड़े ही कम समय और कम खर्च में किया जाता है। तो अब देर किस बात की, आइए और दीजिए अपने दांतों को चमचमाता हुआ स्वस्थ रूप। तो पता याद रखें, मेन रोड पचम्बा गिरिडीह।